कहते हैं कि अगर किसी खेल में हार जाए तो फिर से जीता जा सकता है, लेकिन स्वयं से हारा हुआ इंसान ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्वागत है आप सभी का बिना ईएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशीष मिश्रा आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के लिए सिलेबस में परिवर्तन हो चुका है, और जो हमारा आज का विषय है वो मध्य प्रदेश के जनजातियों के अध्ययन को लेके है, और जो हमारे सिलेबस के यूनिट 10 में शामिल किया गया है। हमारी जो चर्चा होगी मुख्य रूप से एमसीक्यू बेस होगी। हम क्वेश्चंस के माध्यम से चाहेंगे कि हम इस प्रकार से कवर करें चीज़ों को कि हमको ज़्यादा कहीं भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े। जब हम लेक्चरों को स्टार्ट करेंगे तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को एक निश्चित क्रम के साथ आगे बढ़ा सके, जिससे हमारी तैयारी को मजबूती मिल सके। तो चलिए हम बात अपनी शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों को लेके। जो हमारा यूनिट 10 है, जो एमपीपीएससी प्री का यूनिट 10 है, उसमें शामिल किया गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विरासत, लोक कला एवं संस्कृति। देखिए, जनजातियों में सिंपल सी बात है कि अपने को दो पक्ष में इसको पढ़ना है। देखिए, पूरा ये सिलेबस है, ये प्री का सिलेबस है, इसके बारे में कई सारे लोग जानते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि इसका सिलेबस है विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो हमारा जो पढ़ने का पैटर्न होगा वो दो रूप में होगा। जनजातियों को हम दो रूप में, जो ये यूनिट 10 है उसको हम दो रूपों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक रहेगा जो मुख्य रूप से किस पे आधारित रहेगा, मध्य प्रदेश के जनजाति को लेके, मध्य प्रदेश की जनजाति। और जो दूसरा भाग होगा उसमें हम मध्य प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृति को देखेंगे। अब देखिए, पूरा सिलेबस देखेंगे तो दो ही चीजें हैं, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति लिख लेते हैं यहां पर, हम बड़े ही आसान भाषा में आसान प्रश्नों के साथ अपने प्रश्नों के प्रकृति को और कठिन करते जाएंगे, जिससे ये होगा कि हमारी तैयारी किस स्तर पे है, इसका हम जायजा ले सकते हैं। जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो जनजातियों के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। हमारा सिलेबस जैसा कि दिया हुआ है कि हम देखेंगे इनका भौगोलिक वितरण कहाँ है, भौगोलिक वितरण। दूसरा चीज़ सिलेबस में लिखा है कि संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं इनके संबंध में, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो हम इसके संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। फिर लिखा है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियां, तो इसमें आपको पता है कि मध्य प्रदेश में भीलों का सबसे बड़ा समूह पाया जाता है, गोंड जनजाति पाई जाती है, उराव जनजाति पाई जाती है, पारधी जनजाति पाई जाती है, इस प्रकार कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो हम सभी जनजातियों की उनकी सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा, उनकी जो कलाएँ हैं, उनकी जो लोक संस्कृति है, उनके पर्व हैं, उनके त्यौहार हैं, उनकी परम्पराएँ हैं, उन सबको हम इन जनजातियों के तहत देखेंगे, और उनके आधार पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर हम अपना डिस्कशन करेंगे। फिर अगला चीज़ है कि घुमंतू जनजाति के बारे में लिखा हुआ है, घुमंतू जनजाति। घुमंतू जनजाति कोई नया विषय नहीं है, इसमें आप ऐसे समझिए कि जनजाति वे जनजातियाँ जो अपन जिनका निवास स्थान निर्धारित नहीं होता है, क्या होती हैं ये, भटकती रहती हैं अपने व्यवसाय को लेके, अपने कलाओं को, प्रदर्शनों को लेके, आय के स्रोतों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण आप जानते हैं बंजारा जनजाति का, तो हम घुमंतू जनजाति के बारे में देखेंगे। इसके बाद इसकी एक और विषय है जनजातियों के लिए चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं, फिर मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं जो हैं, जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, एसटी से संबंधित है, उनको हम देखेंगे, और उसके आधार पर देखेंगे जो नवीन आज तक की जितनी भी योजनाएं चली हैं उनके संबंध में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं मंत्रालयों को लेके, विभागों को लेके किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इन सब विषय पर हम अपनी चर्चा को करेंगे। तो ये हमारी सामान्य चर्चा होगी जनजातियों के संबंध में। फिर दूसरा जो भाग है उसमें है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक कलाएँ। इसमें हम देखेंगे कि लोक गायन कैसा है मध्य प्रदेश का, लोक गायन,
लोक शिल्प कला देखेंगे, इसके अतिरिक्त नृत्य हो गया, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, साहित्य कला, इसमें जैसे साहित्य कला में आपने जगनिक का नाम सुना होगा, घाघ का नाम सुना होगा, तो ऐसे हम प्रमुख साहित्यकार कौन से हुए हैं, कौन कौन सी लोक साहित्य हैं जो प्रचलित हुई हैं, कौन कौन सी लोक कथाएं हैं, उन समस्त बिंदुओं के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम देखेंगे। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम MCQs बेस्ड जितने भी क्वेश्चन समस्त टॉपिकों से बन सकते हैं। आज तो हमारी चर्चा इस प्रकार होगी कि पूरे जो टॉपिक है, चाहे वो लोक कला को लेके हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में जितने भी विषय दिए गए हैं उनके संबंध में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसकी एक रूपरेखा दी हुई है। ये हमारी जो चर्चा होगी आगे चल के, जो हमारी क्लासेस होंगी वो इसी पर आधारित होंगी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना है, और हमारी जो चर्चा होगी लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन अपन कवर करेंगे, जिससे ये हो कि कोई भी प्रश्न इससे बाहर ना जाए। और हमारा उद्देश्य ये भी रहेगा कि एक क्वेश्चन पे हम जो चार ऑप्शन देते हैं उन चार ऑप्शनों से आप चार और क्वेश्चन बना सके, मतलब एक पे चार फ्री। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है 366 का 24, 366 का खंड 25, अनुच्छेद 341, या फिर डी अनुच्छेद 342। आप लोग जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जो जवाब होगा ये है अनुच्छेद 366 का 25। आपको पता है जो अनुच्छेद 366 है उसमें संविधान के अंतर्गत जो जो विषय लिखे गए हैं, जितने भी विषय दिए गए हैं, उन सब की परिभाषाओं का जिक्र कहाँ पर मिलता है? 366 के अनुच्छेद में मिलता है, और उसी के अनुच्छेद के भाग 25 में क्या मिलता है? अनुसूचित जनजाति की परिभाषा मिलती है। और इसमें क्या लिखा है अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में, कि आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के अनुदेश से जिन जिन जनजातियों को अधिसूचित किया है वो सब क्या कहलाएंगी? अनुसूचित जनजाति कहलाएगी। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल की अनुशंसा पर क्या करता है? जितनी भी जनजातियों को अधिसूचित कर देगा, मतलब एक शेड्यूल बना देगा, उस शेड्यूल में जो जो जनजाति शामिल हो जाएंगी, जैसे भील, कोंड, पारथी जनजाति है, उराव जनजाति है, कोल है, सहरिया है, ये सब जनजातियाँ किस में शामिल कर दी गई? अनुसूची 342 में शामिल कर दी गई। तो जितनी भी अनुसूचित जनजातियाँ इसमें शामिल है, जनजातियाँ शामिल है, वो सब क्या कहलाएंगी? अनुसूचित जनजातियाँ कहलाएंगी। अब देखिए 366 के 24 में अगर बात करें तो 366 के 24 में SC की परिभाषा मिलती है, और 341 में, अनुच्छेद 341 में SC की शेड्यूल का जिक्र मिलता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे कि एक क्वेश्चन से हम चार चीज़ें कवर कर सके। अगली जो हमारा प्रश्न है वो है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसको PVTGS बोलते हैं में कितने जनजातियों को शामिल किया जाता है? देखिए PVTGS अभी 2023-24 का जो बजट आया उसमें काफ़ी चर्चा में रहा। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, इसका फुल फॉर्म है, और इसमें ऐसी जनजातियों को शामिल किया जाता है जो विशेष रूप से बहुत पिछड़ गई हैं, जो संवेदनशील है, मतलब अगर इनकी और अगर कुछ भी प्रयास नहीं किया गया तो ये अपना अस्तित्व खो सकती हैं। जैसे अंडमान निकोबार पे निवास करने वाली सेंटलीज जनजाति का आपने नाम सुना होगा, जोरवे जनजाति का नाम सुना होगा, ये सब ऐसी जनजातियाँ अपने यहाँ की। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, जो अपने यहाँ की सहरिया जनजाति है वो भी इसके तहत शामिल की गई है। तो आज की डेट से अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में 75 जनजातियों को इसमें शामिल किया गया है। जो ऑप्शन डी है 75 वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हमारी चर्चा किस विषय पे होगी कि हमको चारों ऑप्शन से बताना है। जैसे 89 की अगर बात करें, 89 ऑप्शन दिख रहा है, तो 89 से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? 89 है, 89 है। और अगर 70 की बात की जाए तो 70 से ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 43 की अगर बात की जाए तो 43 की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल जनजातियों को कितनी जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? वो है 43 जनजातियाँ। पहले ये संख्या 46 हुआ करती थी, लेकिन 2000
1903 में कीर मीणा जैसे जनजातियों को हटा दिया गया और वर्तमान में 43 जनजातियाँ अधिसूचित की गई हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। PVTGS ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो इस बार के बजट में अगले तीन सालों के लिए 2023-24 हेतु 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है इनके कल्याण के लिए, PVTGS ग्रुप के लिए। और अभी हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी अभी गई थी कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, तो उन्होंने इस जनजाति के विषय में काफ़ी बातें की थी, आप लोग इसको न्यूज़ में देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। प्रश्न है, एक साइड जनजाति का नाम लिखा है, दूसरे जगह उनके संबंध में जो युवा गृह हैं उनको मिलान कह रहा है, करना है। एक साइड लिखा है गोंड, भुइया, मुंडा, उराव, इनके युवा गृह हैं धूम कोरिया, धांगर बांसा, घोटुल, गतियोरा। ऑप्शन ए है बी सी डी ए, ऑप्शन बी है डी ए सी बी, ऑप्शन सी है सी बी डी ए, ऑप्शन डी है सी डी ए बी। तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। आप लोग अपना जो भी कमेंट है इसको अपने कमेंट में दे सकते हैं इसके आंसर को मेरे से बताने से पहले, तो हम उस चीज़ पे भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अपने कमेंट जो भी आप देना चाहें इसका सही आंसर क्या होगा आप इसका कमेंट दे सकते हैं। देखिए, गोंडों की अगर बात की जाए तो गोंडों का जो युवा गृह है उसको बोला जाता है क्या, घोटुल। अब देखिए, अपने को देखना है कि ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं, अपने को यहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड को भी देखना है। तो पहला का सी मिल गया, तो सी सी अब देखिए दो दिख रहे हैं, तो मतलब ये है कि ये दो बाहर हो गए। दूसरा है ऑप्शन भुइया, भुइया एक्चुअल में जो भारिया जनजाति है उसकी एक उपजाति है, और इनके जो युवा गृह है उनको बोला जाता है धांगर बांसा, धांगर बांसा। तो दूसरा का हो जाएगा बी। अब देखिए, सी ऑप्शन में बी मिल रहा है, मतलब अपने को क्या है, आंसर मिल चुका है। अब आंसर है क्या, ऑप्शन सी, सी बी डी ए, मतलब मुंडा का हो जाएगा फिर गतियोरा और उराव का हो जाएगा धूम कोरिया। अगर युवा गृह की बात की जाए कि युवा गृह होते क्या हैं, तो जनजाति अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए क्या करती है कि अपने नव युवकों को, जो युवक युवतियां होती है उनको पूरी संस्कृति का ज्ञान देती है। तो ये युवा गृह कैसे गृह होते हैं जहां पर उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है, उसका ज्ञान का प्रसार किया जाता है। तो बड़े बुजुर्ग लोग इसके अंतर्गत रहते हैं और वो नव युवतों को, युवतियों को क्या करते हैं, अपनी विशिष्ट संस्कृतियों के बारे में परिचय करवाते हैं। मुख्य रूप से युवा गृह का जो उद्देश्य होता है वो एक विवाह जो संबंध होता है उसको भी क्या करना है, बेहतर रूप से आगे बढ़ाना है। तो युवक युवतियों में विवाह प्रथा के महत्व को समझाने के लिए भी इनकी गठन किया गया है। लेकिन अभी क्या हुआ है, हाल ही के दिनों में इनके महत्व में अभी बहुत कमी आ गई है। आधुनिकता के परिणाम स्वरूप ये जो युवा गृह हैं इनमें धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो ये हमारी चर्चा किस पे हुई, जनजातियों पे, उनके युवा गृह पे लेके, युवा गृह के लेके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बैगा की उपजाति नहीं है। ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए नरोतिया, ऑप्शन बी भरोतिया, ऑप्शन सी पोथरिया, ऑप्शन डी कठमैना। आप जल्दी से इसका जवाब कमेंट में दे दीजिए, निम्न में से कौन सी बैगा की उपजाति नहीं है, नरोतिया, भरोतिया, पोथरिया, कठमैना। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोथरिया। क्यों, क्योंकि पोथरिया किसकी उपजाति है, ये तो कोरकू की उपजाति है, कोरकू की उपजाति है। अब आपको पता है कि नरोतिया, भरोतिया, कठमैना, रायमैना, बिजवार, ये सब बैगा की उपजाति हैं। अब पोथरिया किसकी है, कोरकू की उपजाति है। कोरकू की और भी उपजातियाँ हैं जैसे मवासी हो गया, नहाला हो गया, बेवार हो गया, तो ऐसे कुछ इनकी अन्य भी उपजातियां हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा, पोथरिया। अब देखिए, जो कोरकू जनजाति है वो दो रूपों में पाई जाती है, एक होता है राज कोरकू और दूसरा होता है पोथरिया कोरकू। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पोथरिया किसके लिए है, कोरकू जनजाति के लिए है। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति का निवास छिंदवाड़ा की किस विकास खंड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है हमारे तामिया, जुन्नारदेव, हर्रई, बिछिया।
आप लोग फिर से सुनिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमको कौन सा नाम पातालकोट का नाम नहीं दिख रहा है। तो कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आंसर इसका बताऊंगा ना आपको। आप एक बार गेस करने का प्रयास कीजिए, इसको कमेंट में देने का प्रयास कीजिए कि पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा तामिया। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में केवल 89 विकासखंड ऐसे हैं जो किससे संबंधित है, जनजातियों के कल्याण के लिए है। तो 89 विकासखंड में तामिया एक विकासखंड है जो मुख्य रूप से किसके लिए अधिसूचित किया गया है, भारिया जनजाति के लिए। और इसी तामिया विकासखंड के अंतर्गत आता है क्या, पातालकोट, जहाँ पर मुख्य रूप से भारिया जनजाति निवास करती है। और भारिया जनजाति के बारे में आपको पता है कि भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली भी कहते हैं, और ये हमारी सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। बैगा सहरिया भारिया में शामिल है, मतलब पिछड़ी जनजातियों में से एक है। फिर इनकी जो उपजातियाँ होती हैं, जैसे इनकी उपजातियाँ में हैं भूमिया, भुईधर, भूमिया, भुईधर, इनकी उपजातियाँ हैं। तो ये कुछ क्या है भारिया के संबंध में सिंपल सिंपल चीज़ें क्या हुई हैं, दी हुई हैं। अच्छा, आपको मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो क्लासेस चलेंगी, हमारे जो चैनल पे कुछ आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, वो फैक्ट टू फैक्ट क्लासेस होंगी। उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जितनी भी जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश में, जो भी सिलेबस दिया हुआ है, उसके संबंध में 10 मिनट की वीडियो डाला करेंगे, जिसमें आप सारी जानकारियाँ, जैसे हम गोंड के विषय में अगर जानेंगे, गोंड के विषय में जितनी भी जानकारी हम 10 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं, उन समस्त जानकारियों की, उनकी सामाजिक स्थिति की, उनकी आर्थिक स्थिति की, उनकी धार्मिक स्थिति की, उनकी राजनीतिक स्थिति की, समस्त जानकारी को 10 मिनट में कवर करेंगे। तो ऐसे ही 10-15 वीडियो बना लिया करेंगे और हमारी पूरी चर्चा यूनिट 10 पे खत्म हो जाएगी। पहले देखिए, यूनिट 10 बहुत आसान होता था। पहले यूनिट 10 में क्या होता था, आयोग होते थे। तो आयोग में हमको 10 क्वेश्चन पढ़ना है, तो पेपर के एक दिन पहले गए, अच्छे से पढ़ लिया और क्वेश्चन सही हो गए, 10 में से 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही कर लिए, इसीलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा था। लेकिन जो यूनिट 10 अभी का है वो बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें आप कट ऑफ को क्लियर करने में, आपका देखिएगा इस बार कट ऑफ 5 से 7 नंबर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। भले पोस्ट कम है इस बार, लेकिन आप देखिएगा कि कट ऑफ इस बार कम रहने वाला है। तो आप लोग तैयारी पे अपने पूरा फोकस कीजिएगा। ये जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से करिएगा, जिससे हम क्या कर सके, MPPSC अगर इस प्रकार के प्रश्नों को पूछती है तो हम उसको अच्छे से डील कर सकें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में ST जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जिनमें 10 की जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम रही है। ऑप्शन है झाबुआ, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है मंदसौर, ऑप्शन डी है भिंड। चलिए इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए मैं बताऊं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंदसौर। मंदसौर की अगर बात की जाए तो मंदसौर में जनसंख्या वृद्धि दर, जो ST जनसंख्या की वृद्धि दर थी, वो माइनस में थी, -11.08%। -11.08% थी, मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो भी कम हो गई। कम होने के बहुत सारे कारण थे। एक तो ये हो कि जो जनजाति है, यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति थी, मुख्य रूप से भील भिलारा जनजाति निवास करती थी, बंजारा निवास करती हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनका प्रवसन हो गया, एक कारण ये माना जाता है। दूसरा कारण होता है कि इनमें क्या हो गई कि कई सारी जो परंपरागत बीमारियां हैं, इनमें जादू टोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए मेडिकल उपचार न मिल पाने के कारण इनमें मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए एक कारण था। तो मंदसौर में हमको सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। मंदसौर के बाद देखिए, मंदसौर के बाद भिंड का आता है स्थान। मंदसौर है, भिंड है, फिर उसके बाद उज्जैन है। तो ये जो जगह है, इनमें सबसे न्यूनतम जन्म दर वृद्धि दर देखी गई है, न्यूनतम वृद्धि दर देखी गई है। अब अगर इसमें एक प्रश्न और मैं आपसे निकालना चाहूँ कि अब बताइए कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही है, तो इसका सही जवाब होगा फिर छतरपुर में। छतरपुर में सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। देखिए, मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन से हम ऐसे कवर करने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। फिर अब देखिए, इसमें और एक प्रश्न क्या बन सकता है, भिंड। भिंड में आपको पता है कि ST की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम है। और भिंड की एक और खासियत आपको बता दूं, ST का सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पर देखने को मिलता है, वो भिंड है। मतलब शहरीकरण परसेंटेज में नापते हैं, तो सर्वाधिक परसेंटेज ST की कहाँ रहती है, शहरों में,
वो भिंड में रहती है, तो ये भी एक फैक्ट है, तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है हमारे संथाल, ऑप्शन बी बिंझावर, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी गोंड। तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोल। अच्छा बताइए, कोल को क्यों कहा गया कि ये मध्य प्रदेश की या फिर भारत की सबसे आधुनिक जनजातियों में से एक है? क्योंकि कोल क्या है, आधुनिकता के सभी पैमानों पे आज खरी उतर रही है। यहाँ पर आप पर्दा प्रथा देखने को जाएंगे, नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको विधवा विवाह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि बड़ा ही खुला समाज है। जैसे एक नृत्य होता है कोलों का, वो होता है कोल दहका। इनका परंपरागत नृत्य है जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक स्त्री पक्ष होता है, एक पुरुष पक्ष होता है। तो पुरुष पक्ष क्या होते हैं कि जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उन सबको बजाता है, और स्त्रियां क्या करती हैं, इसमें नृत्य करती हैं। और ये क्या होता है, व्यंगात्मक शैली में और प्रश्नोत्तर शैली में पूरा ये नृत्य चलता है, कोल दहका नृत्य। और ये इस प्रकार से अट्रैक्टिव लगता है जो आजकल के आधुनिकता के जितने भी पैमाने हैं उन सब में खरी उतरने वाले ये काम करते हैं। संथाल, आपको पता है संथालों का जो निवास स्थान है वो झारखंड में माना जाता है, झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में जानते हैं। और आप इतिहास में देखे होंगे एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह क्या कहा जाता है, संथाल विद्रोह। तो पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह, जैसे मेंस में प्रश्न पूछे गए थे कि निम्नलिखित से विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, तो इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो ये आप लोग इसको बताएंगे, आप कमेंट में इस चीज़ का बताएंगे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था और किस स्थान पर हुआ था। फिर बिंझावर की अगर बात किया जाए तो बिंझावर बैगाव की एक विकसित जनजाति है। ये उतनी आधुनिक नहीं है, लेकिन बैगाव में भी जो आधुनिकता को अपना लिया है वो जनजाति क्या है, बिंझावर जनजाति। और आपने एक नाम सुना होगा, हमारे क्रांतिकारी थे 1824 में जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह का संबंध किससे माना जाता है, बिंझावर जनजाति से भी माना जाता है। देखिए गोंड भी बहुत आधुनिकता को सजोए हुए हैं अपने में, लेकिन उस प्रकार से आधुनिक नहीं है जिस प्रकार से कोल आधुनिक स्वरूप धारण की है। तो ये हमारी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे है अगला प्रश्न, पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 2023, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2022, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 1996, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2021। आप इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए हर उसमें 15 नवंबर दिख मिल रहा है, एक में 15 दिसंबर मिल रहा है। 15 नवंबर किस लिए जाना जाता है, आपको पता होगा कि जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती मानी जाती है। 15 नवंबर को क्या माना जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती। अब बिरसा मुंडा का संबंध किससे है, मुंडा विद्रोह से, जो 1899 में हुआ था उससे संबंध है किसका, मुंडा विद्रोह से। इसी विद्रोह को क्या बोला जाता है, उलगुलान। यह प्रश्न एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 में पूछा था, उलगुलान विद्रोह के संबंध में, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है, तो 3 मार्कर में आया था उस टाइम पे। दूसरा ऑप्शन है, जो देखिए मध्य प्रदेश में जो लागू किया गया है वो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी 15 नवंबर 2022 को। देखिए पेशा एक्ट जो है भूरिया समिति की अनुशंसा पर 1996 में आया था। इसके तहत जो जनजाति क्षेत्र हैं उनको प्रशासन करने के लिए एक विशेष शक्ति देती है कि कोई भी राज्य सरकार जब पंचायतों को इस क्षेत्र में लागू करना चाहेगी या फिर जनजाति क्षेत्र जो होते हैं उनमें किसी प्रकार के अपने अधिकारों के अपने कानूनों को लागू करना चाहती है तो वहाँ की जो ग्राम सभा होगी उसको क्या दिया जाएगा, विशेष, ग्राम सभा को विशेष शक्तियाँ दी जाएंगी और उन शक्तियों के माध्यम से पूरे ग्राम का प्रशासन वो संचालित करेंगे। राज्य सरकार कोई भी कानून अगर बनाती है, अगर मान लीजिए वहाँ पर खनन कार्यवाही करनी है तो ग्राम सभा से पहले क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया क्या हमारी पेशा एक्ट के बारे में। तो ये हमारा सही जवाब इसका क्या होगा, 15 नवंबर 2022 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के अधीन राज्य हित विशेष अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 371, ऑप्शन बी अनुच्छेद 275, ऑप्शन सी अनुच्छेद 282, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद
275। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 275 में क्या लिखा गया है कि भारत के राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा, विधिक अनुदान दिया जाएगा। तो विधिक अनुदान की बात की गई है, कुछ स्पेशल जो बात है वैसी नहीं है। ये प्रश्न देख के आपको लगा होगा कि कुछ स्पेशल बात करना चाहता है, स्पेशल प्रश्न पूछना चाहता है, इसलिए आपका मन किया होगा कि 371 को आंसर मान ले, क्योंकि 371 में आपको क्या मिलता है, जनजातियों के संबंध में विशेष प्रावधान मिलते हैं, जिसमें आपको नागालैंड, असम, मिजोरम इन सब के बारे में लिखा हुआ है। नागालैंड, असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको लगा होगा कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन सही इसका जवाब होगा अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 282 की अगर बात करें तो वे स्वैच्छिक अनुदान की बात करता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि केंद्र में भी वही सरकार होती है जो राज्य में सरकार होती है, तो जब राज्य को कुछ ज़रूरत होती है, कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, केंद्र के पास चला जाता है, तो केंद्र क्या करता है, स्वैच्छिक अनुदान दे देता है, कहता है कि आप जाइए इस योजना पर अतिरिक्त पैसा खर्च कर लीजिए। तो वो जो अनुदान मिलता है वो 282 के तहत मिलता है। अनुच्छेद 280 के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया 9th। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जनजातियों से नहीं है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जनजातियों से नहीं है? बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। ऑप्शन एक है अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 338, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 350। आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। अच्छा, मैंने इसका क्यों कहा कि ऑप्शन सी होगा, 338 में क्या लिखा है, एससी आयोग के बारे में वर्णन मिलता है। किसका? एससी आयोग। तो 338 एससी से संबंधित नहीं हुआ ना, क्योंकि ये एससी आयोग के जिक्र करता है यहाँ पर। और ऑप्शन 338 ए जो है, अगर यहाँ पर ए लिखा होता तो वो फिर एसटी से संबंधित हो जाता, एसटी आयोग से संबंधित हो जाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। अब देखिए, अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है कि राज्यों का ये कर्तव्य होगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान करें। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत एससी एसटी के आरक्षण की बात करता है, उनको पंचायतों में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कर्तव्य को दिखाता है। तो इन सब में एससी एसटी की बात कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन अनुच्छेद 338 में सीधा क्या लिखा हुआ है, एससी आयोग। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 338। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? बड़ा ही आसान सा सवाल है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में सीधा सा लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख घुमंतु जनजातियाँ, तो हमारे इनके कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया, एक विभाग का गठन किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है 22 जून 2011, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1996, ऑप्शन सी 29 जून 1995, ऑप्शन डी 22 जून 2018। अब इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए इसका जवाब। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 22 जून 2011। देखिए, मैंने पहले ही टिक लगा दिया था, आप लोग अगर ध्यान देते तो 22 जून 2011 को मध्य प्रदेश के जनजाति कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया, इस विभाग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी घुमंतु जनजातियां हैं, जितनी भी अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं, उनके कल्याण के लिए क्या कर सके, कार्य कर सके। देखिए, 29 जून 1995 की अगर बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश एसटी आयोग को राज्यपाल ने क्या किया था, पारित किया था। तो ये डेट इसके लिए फेमस हो जाती है, एसटी ने, एसटी आयोग जो होता था उसको राज्यपाल ने क्या किया था, अनुमति प्रदान की थी 29 जून 1995 को। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से भी निकल आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों में, जनजातियों के रूप में, के रूप में कितनी जनजातियाँ शामिल हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 43। आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30। देखिए, जो ऑप्शन ए है 51, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु, इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा विमुक्त, विमुक्त,
तो इंचामन जनजातियाँ ऐसी हैं जो किसमें शामिल है, तीनों में आती हैं, विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु में। 23 जनजातियाँ घुमंतु एवं अर्धघुमंतु में आती हैं और 21 जनजातियाँ जो होती हैं, इंचावन में से 30 माइनस करेंगे तो 21 जनजातियाँ किस में आ जाएंगी, विमुक्त में आ जाएंगी। और ये तो आपको पता ही है कि ये मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो ये हमारी बात हो गई इस पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गल, नौणी, इंदल, दोहा किस जनजाति का उत्सव है? आपने शायद, कई सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है इसका। ऑप्शन है गोंड, कोरकू, भील, बैगा। आप लोग जवाब देने का इसका प्रयास कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भील। देखिए, भील के बारे में हमने भगोरिया पर्व के बारे में सुना है, इनके और भी पर्व होते हैं उनके बारे में सुना होगा, गोल गधेड़ो पर्व के बारे में सुना, भगोरिया पर्व के बारे में सुना, लेकिन गल, नवड़ी, इंदर, दोहा जैसे पर्वों के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन इसका सही जवाब होगा भील। अब देखिए, मध्य प्रदेश जब PSC क्वेश्चन पूछता है तो उसके बहुत सारे प्रश्न गोंड और भील के अधीन ही रहते हैं। अब इस बार भी एक प्रश्न पूछा गया था, नोहडौरा कला किससे संबंधित है, ठीक है, तो वो गोंड से संबंधित था। तो बड़ी जो जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश की, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो गल, नवड़ी, इंदल, दोहा किससे संबंधित है, भील जनजाति से। अगर इनके उत्सव की बात किया जाए तो ये विशेष भगवान के लिए होते हैं। जैसे गल जो होता है, गल उत्सव इनका होता है, वो गल देवता के लिए होता है, गल देव के लिए होता है, जिसके अंतर्गत होली के अगले दिन ये लोग व्रत रखते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमारी जितनी भी रोग व्याधियाँ हैं वो सब ईश्वर गला दे, ख़त्म कर दे। फिर जैसे इंदल उत्सव होता है, इंदल होता है, इंद्रदेव के लिए करते हैं कि हमारा जो कृष है अच्छा हो, हमारी कृष अधिक उन्नति कर सके, इसलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इंदल उत्सव मनाते हैं। तो ये हमारी बात किस पे हो गई, भील जनजाति पे। अगला है, भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन है फाल्या, ऑप्शन बी कु, ऑप्शन सी गमेती, ऑप्शन डी ओगी। चलिए इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इन चारों शब्दों को भी क्या कहा जाता है। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फाल्या। फाल्या, अब अगर फाल्या की बात किया जाए तो एक जगह पर आप कमेंट में बताना है कि फाल्या जो है एक प्रकार की क्या है, झूमिंग क्रिस है कहीं की। आपको कमेंट में बताना है कि ये झूमिंग क्रिस कहाँ की क्रिस को बोला जाता है, फाल्या कहाँ की झूमिंग क्रिस को बोला जाता है, ये कमेंट में आपको ढूंढ के पता करके बताइएगा। हालांकि विश्व भूगोल हट चुका है तो आप लोग शायद उतना मेहनत ना करना चाहो, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा कि इस कहाँ के क्रिस को, कहाँ की जो स्थानांतरित क्रिस होती है वहाँ की क्रिस को बोला जाता है। देखिए, इसका सही जवाब है फाल्या। भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, फाल्या। अगर कू की बात करें तो भीलों के द्वारा जो घर बनाया जाता है उन घरों को कू कहते हैं। घर कैसे होते हैं, कच्चे मकान होते हैं जो बांस की झोपड़ी से तने हुए होते हैं, उन मकानों को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। गमेती की अगर बात किया जाए तो भीलों में जो गाँव का मुखिया होता है, गाँव का मुखिया वो होता है गमेती। और ओगी क्या है, ओगी भीलों में जैसे हिंदुओं में त्यौहार होता, हिंदुओं में विवाह होता है तो कन्यादान की प्रथा है, वैसे ही जो भीलों में कन्यादान की प्रथा चलती है उसको क्या बोला जाता है, ओगी, कन्या दान को बोला जाता है। ये हो गई हमारी चर्चा किस पे, भीलों के सामान्य विषय को लेके। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिड़ेश्वर मेला कहाँ लगता है? बिड़ेश्वर मेला की अगर बात करें तो इसको भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर लगता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। देखिए, हमारे यहाँ से धार से एक नदी निकलती है, वो है कौन सी, माही नदी। माही नदी की खासियत क्या है कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, और माही नदी पे ही राजस्थान में आके दो नदियां मिलती हैं, एक सोम नदी है, एक जाखम नदी है, सोम व जाखम नदी है। और इसी के संगम पे लगता है कौन सा मेला, बेणेश्वर का मेला लगता है। इन्हीं तीनों के संगम पे लगता है क्या, बेणेश्वर मेला। और ये कहां लगता है, राजस्थान में। हमारी चर्चा
हो गई। अब पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर मेला कौन सी नदियों के संगम मिलता है, तीन नदियाँ दे देंगे, या फिर पूछ लेगा कि कौन सी नदियों नहीं मिलती हैं, तो तीन नदियों का नाम दे दिया कि माही, सोम, जाखम। इसके अतिरिक्त एक और नाम दे देगा, जैसे शिवना नदी का नाम यहाँ पर पास सी हुई जाती है, उसका नाम लिख सकता है। चंबल नदी की सहायक नदियों का नाम पूछ सकता है, लिख सकता है। तो आपको यहाँ पर समझ रखना है कि माही, सोम और जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर क्या मिल लगता है, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला को क्या बोलते हैं, भीलों का कुंभ भी बोलते हैं। और राजस्थान की एक और खासियत आप बताऊं कि राजस्थान से ही किनका जन्म स्थान माना जाता है, भीलों की उत्पत्ति अगर मानी जाए कहाँ से होती है, तो वो राजस्थान से मानी जाती है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे लिखा हुआ है कि सिलेबस में कि भौगोलिक इनका विस्तार, भौगोलिक उत्पत्ति कहाँ से आए हैं ये, तो सीधा पूछ सकता है कि भीलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो राजस्थान से हुई है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, भीलट बाबा कौन है? अब इसमें ऑप्शन है भारिया के देवता, नंबर 2 है बैगा के देवता, नंबर 3 है सहरिया के देवता, नंबर 4 है भीलों के देवता। इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, हमको क्या करना है, पीएससी के प्रश्नों पे दिमाग लगाना ही नहीं है, अगर दिमाग लगाने गए तो गलत हो जाएगा। तो भीलट लिखा है सीधा सा, तो भीलट लिखा है मतलब भील से निकल संबंधित लग रहा है, तो इसका आंसर होगा क्या, भील। तो भीलों के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है, भीलट बाबा कहा जाता है। देखिए इनके भीलों के देवता में एक राजा पंथा बहुत खास देवता है, इनके राजा पंथा, राजा पंथा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसी प्रकार सहरिया की अगर बात किया जाए तो सहरिया बूढ़ा देव को बहुत मानते हैं, पंढर देव को बहुत मानते हैं, बैगा, बैगा के प्रमुख देवता जो है बूढ़ा देव ही है, और भारिया भी आपके दूल्हा देव, बूढ़ा देव, इन सब देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। देखिए भारिया की अगर बात की जाए तो भारिया गोंडों को बहुत समर्थन करती है, तो गोंड जिस देवताओं को मानते हैं उनको भारिया भी मानने के लिए अग्रसर रहती है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा, भीलट बाबा किससे संबंधित है, तो वो है भीलों के प्रमुख देवता। सबको ध्यान रखना है, दिमाग नहीं लगाना है, पीएससी में दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। अगला सवाल है, गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? ऑप्शन है आदिवासी, ऑप्शन बी है छत्री, ऑप्शन सी है कोयतोर, और ऑप्शन डी है जनजाति। अच्छा मैं आपको इस प्रश्न के बारे में खास बात बता दूं, ये प्रश्न पीएससी डीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, मतलब ये ओल्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसका जवाब दीजिए कि गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोय तोर। अच्छा इसको कोय, कई बार कोई तोर भी मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका सही जवाब होगा क्या, कोय तोर। अच्छा अगर गोंडों के अर्थों की बात किया जाए तो गोंड को ये माना जाता है, गोंड के अगर अर्थ जब निकाला गया, गियर्सन जी ने अर्थ निकाला, तो उन्होंने कहा कि गोंड क्या है, पहाड़ों पर निवास करने वाले, इसका अर्थ है पहाड़ों पे निवास करने वाले, तो गोंड वो हैं जो पहाड़ों पर निवास करते हैं। गोंड की फिर देखिए कई सारी उपजातियाँ भी हैं, जैसे अगरिया है ना, उसके बाद इनका पुजारो, कई सारी उपजातियाँ हैं। आदिवासी, अगर आदिवासी की बात किया जाए कि जो जनजातियां हैं उनको आदिवासी कौन कहा था, तो ठक्कर बापा का नाम सुना होगा आपने, ठक्कर बापा, इन्होंने जनजातियों के क्या कहा है, आदिवासी कहा है। छत्री, देखिए छत्री गोंड अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं, लेकिन उसको छत्री किसी ने नहीं कहा है, तो अपने को इस प्रश्न में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हो गई हमारी चर्चा किस पे, गोंड जनजाति के बारे में। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति किसे देव अन्न कहते हैं? कोदव, कुटकी, पेज, महुआ। चलिए आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं हम प्रश्नों पे, इसलिए जल्दी से जवाब देने का प्रयास किया करिए। तो इसका सही जवाब होगा महुआ। महुआ आपको पता है कि एक प्रकार का क्या है, फूल है, जो महुआ एक वृक्ष होता है उससे निकलता है, और इससे क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, देसी शराब, देसी शराब महुआ से बनती है। तो महुआ की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 2 जिलों पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में इसको शामिल किया गया है। वो 2 जिले कौन से हैं,
आपको बता दूं, एक है अलीराजपुर और दूसरा है उमरिया। तो ये दो ज़िले हैं जिसमें क्या किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ग्रुप में इसको शामिल किया गया है। पेज के बारे में अगर बात की जाए तो पेज तो आपको पता है कि मोटे अनाज से निर्मित एक पेय पदार्थ होता है जो गोंड का प्रमुख पेय भोज होता है। तो ये हो गया पेज के बारे में। अब आपको बताना है, एक चीज़ कमेंट में बताना है कि जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज जिसको श्री अन्न भी बोलते हैं, बहुत चर्चा में रहा है, या श्री अन्न में कितने मोटे अनाज को शामिल किया गया है, कितने इसमें फसल आती हैं। तो आपको मैं इसमें हिंट दे दूं कि 9 फसल आती हैं। अब आपको बताना है वो कौन कौन सी फसलें हैं, ठीक है। जैसे कोदा कुटकी था, आपको यहाँ नाम दिखी गया, तो बाकी कौन से 7 फसलें हैं उनका नाम आप कमेंट पे लिख दीजिएगा। अगला है, दसमानी या दसगात्र प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है गोंड, भील, कोल, उराव। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये सीधा सीधा फैक्ट है कि ये किससे संबंधित है। ये है इसका सही जवाब हुआ गोंड। देखिए, दसमानी या दसगात्र क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के 10वें दिन एक संस्कार होता है जिसमें मुंडन उंडन सब चीज़ होती है, परिवार के लोग आके इसमें शामिल होते हैं, कुछ पूजा पाठ होती है, कुछ दान दक्षिणा होती है। तो गोंड जनजाति इस चीज़ को क्या बोलते हैं, दसमानी या दसगात्र कहते हैं। बस इतना ही है इसके विषय में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शहद पर्व के रूप में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है। तो शहद पर्व ये बैगाओं द्वारा मनाया जाता है। अब आपको बताना है ये कौन सा पर्व है। इसके ऑप्शन है बिदरी, रसनामा, छेरता, जवारा। जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रसनामा। रसनामा को रतौना भी बोला जाता है, रतौना। इस पर्व की ये खासियत होती है कि इस दिन क्या होती है, इस पर्व के 9वें दिन मधुमक्खी की पूजा होती है, मधुमक्खी की पूजा होती है। मधुमक्खी मक्खी लिख रहा था तो मक्खी एक मूवी भी बना ली है, बताइए। साउथ इंडियन में तो ऐसा चलता है, मक्खी पे भी मूवी बनी है। तो शहद पर्व में हम किसकी पूजा करती हैं, बैगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा करती है, और इस उत्सव के क्या बोला जाता है, रसनवा या रतौना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुन्नूशाही, भरणी, भंगम, भरनौटी नृत्य शैलियाँ किस नृत्य का भाग है। ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है ये प्रश्न। हमारे ऑप्शन है कथक, भड़म, कर्मा, राई। आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भड़म। ये जो भड़म नृत्य है ये भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, ग्रुप डांस है। इसमें क्या होता है, महिलाएं और पुरुष एक सर्कल बनाते हैं और उसमें नृत्य करते हैं। तो ये ग्रुप डांस का उदाहरण है। भड़म भारिया का प्रमुख नृत्य है, ग्रुप डांस है, स्त्री पुरुष दोनों साथ में नृत्य करते हैं। अरे कथक यहाँ पर ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि खजुराहो में 50वां क्या मनाया गया है, नृत्य समारोह। 20 से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, 1975 में शुरू हुआ था, 1975 से प्रारंभ हुआ था और अभी 50वां संस्करण मनाया गया है। किसका, खजुराहो नृत्य उत्सव का। और खजुराहो की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव है, और इसी बार कथक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है जो खजुराहो में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 1484 कथक नृतंगनाएं एक साथ नृत्य की थी। 1484, पूछा जा सकता है प्रश्न में कि कितनी कथक नृतंगनाओं को शामिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को हासिल किया गया है। तो 1484 कथक नृतंगनाएं शामिल थी। तो ये बात हो गई हमारी किसमें, प्रश्न नंबर 21 में। देखिए, कर्मा नृत्य के बारे में आपको बताइए कि इसको ऑलरेडी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया चुका है, और राई के बारे में पता है कि हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न पे चलता है, जंगलियों का जंगली भारिया को किस जनगणना के उपरांत कहा गया। अच्छा, मैं इस प्रश्न का पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1981। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेते हैं। 1981 के जनगणना के बाद जंगलियों को जंगली भारिया को कह के संबोधित किया गया था। रूमा नहाला मवासी बोवई किस जनजाति की उपजाति है? अच्छा, इस प्रश्न की भी चर्चा हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, जब हमने पूछा था कि निम्न में से कौन सी बैगा की उपजाति नहीं है, तो उसमें एक जनजाति पोथरिया थी लिखी हुई थी, तो उसका आंसर माने थे, उसको बताया थी कोरकू की है। तो यहाँ पर भी उसके अंतर्गत मैंने बताया थी कारी सारी जनजाति, तो ये है क्या कोरकू की उप जातियाँ। तो इसका सही जवाब होगा क्या कोरकू। अगला चलते हैं, रानी फूल कुंवर का संबंध किस जनजाति से है? रानी फूल कुंवर का संबंध किस जनजाति है? ऑप्शन है गोंड, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी कोरकू, ऑप्शन डी भारिया। अच्छा, रानी फूल कुंवर के बारे में बता दूं कि अभी हाल ही में छिंदवाड़ा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका नाम रानी फूल कुंवर के नाम पे रख दिया गया था। उस टाइम पे ये बहुत चर्चा में रही थी और हमारे सिलेबस में जुड़ा है क्या मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम में जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्तित्व हैं उनका क्या योगदान है, तो उनमें एक बहुत बड़ा योगदान किनका मिलता है, रानी फूल कुंवर का। तो हम इनके बारे में बताएंगे कौन से जनजाति से संबंधित है, बताइए जल्दी से। चलिए हिंट भी दे देता हूँ उनका थोड़ा सा, ये जो है शंकर शाह रघुनाथ शाह की सहायिका हुआ करती थी, उनसे संबंधित है। तो अब देने का प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा गोंड। तो इसका सही जवाब है क्या गोंड। तो रानी फूल कुंवर का संबंध किस जनजाति से है? गोंड। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कई सारे व्यक्तित्व का नाम लिया जाए, जैसे आनंद सिंह श्याम का, भज्जू सिंह श्याम का प्रश्न सीधा पूछा गया है कि किस जनजाति से संबंधित है। जो धैया बाई का संबंध पूछ लिया था किस जनजाति से संबंध है, ठीक है, इसके अतिरिक्त दुर्गा बाई व्याम के बारे में पूछ लिया था 2021 के प्री परीक्षा में पूछ लिया था। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो जनजाति से कौन सी जनजाति से संबंधित होते हैं ये लोग, तो उसके संबंध में एक प्रश्न है। अगले में चलते हैं, अंत्योदय योजना के तहत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रफ्तार, ऑप्शन बी स्वावलंबन, ऑप्शन सी मधुबन, ऑप्शन डी सहस्त्रधारा। अंत्योदय योजना, देखिए एसटी वर्ग के उत्थान के लिए, जो एससी एसटी वर्ग है उनके उत्थान के लिए चलाई जाने वाली मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत 12 योजनाओं को शामिल किया गया है। 12 योजनाएँ शामिल हैं, जैसे रफ्तार हो गया, पवन पुत्र योजना हो गई, स्वावलंबन हो गया, मधुबन हो गया, जीवनधारा हो गई, इस प्रकार से कई सारी योजनाएं इसमें अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा सहस्त्र धारा। देखिए, इसकी जगह होना चाहिए जीवनधारा। जीवनधारा योजना है इससे संबंधित, लेकिन सहस्त्र धारा इससे संबंधित नहीं है। अब आपको बताना है कमेंट में कि सहस्त्र धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का प्रारंभ कब किया गया? मध्य प्रदेश में टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? हमारे ऑप्शन हैं 6 सितंबर 2022, 6 सितंबर 2023, 6 सितंबर 2021 या 6 सितंबर 2020। आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग इसके सीधे आंसर पे आते हैं और इसका सही जवाब है 6 सितंबर 2022। अच्छा, इस योजना की अगर खासियत की बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, तो एसटी वर्ग के जो पुरुष होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें 18 से 55 वर्ष के लोग रोज़गार के लिए, अगर कोई रोज़गार स्थापित करना चाहता है, तो 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की सहायता, ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह है मुख्य रूप से टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य। इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, एसटी जनजाति से संबंधित होना चाहिए, अर्थात जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, 18 से 55 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। अगला प्रश्न में चलते हैं, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शन है 1964, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1994। ट्राइफेड की अगर बात करेगा, इसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह एक सहकारी संस्था है जो जनजातियों के जो उत्पाद होते हैं उनको मार्केट प्रदान करता है, उनके विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
1987 1984 के एक अधिनियम के तहत सोसाइटी पंजीकरण एक अधिनियम है उसके तहत इसको पंजीकृत किया गया है और 1987 को इसको मूर्त रूप दिया गया जो मुख्य रूप से क्या काम करता है जनजातियों के जो उत्पाद होते हैं उनके लिए मार्केट उपलब्ध करवाना सामूहिक रूप से काम करके उपलब्ध कराना। देखिए सहकारिता बहुत इस समय चर्चा में रहता है जैसे अभी मोदी जी एक भाषण में बता रहे थे कि हम सहकारिता के लिए क्या कर रहे हैं कि हम भंडारण क्षमता का विस्तार कर रहे हैं मार्केट विस्तार कर रहे हैं सहकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं सहकारिता मुख्य रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं जैसे बनास डेयरी हो गया अमूल डेयरी हो गया उनमें 70% से ज़्यादा महिलाओं का योगदान है। तो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य अब इस प्रकार से निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके महिलाओं की भागीदारी और कृषकों और जनजातियों का विकास संभव हो सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। हमारे ऑप्शन हैं 10 अप्रैल 1965 20 अप्रैल 1954 20 जून 2011 22 जून 2011 या फिर 29 जून 1995। अब इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें कई सारे हिंट मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका सही जवाब होगा 20 अप्रैल 1954। और इस प्रश्न की आपकी खासियत बता दूँ कि यह प्रश्न जो मध्य प्रदेश वन मुख्य परीक्षा हुई थी अभी 2022 की उसमें इसको पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1954। 22 जून 2011 के बारे में पता ही है आपको मैंने बता ही दिया है कि विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। 29 जून 1995 को राज्यपाल ने जो एसटी आयोग है मध्य प्रदेश एसटी आयोग है उसको अनुमति प्रदान किया गया था। ये क्या हो गई हमारी पूरी चर्चा अनुच्छेद प्रश्न 28 पे हो गई। प्रश्न 29 पे चलते हैं। शहरिया विकास अधिकरण के अंतर्गत कौन सा जिला या जिले शामिल नहीं है। ये बहुत आसान सवाल है। एक प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है 2021 में कि बैगा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है तो उसी आधार पे एक प्रश्न बनाया गया है आपको इसको बताना है। तो इसका श्योपुर ग्वालियर गुना यहाँ पर पाई जाती है दतिया अशोकनगर शिवपुरी यहाँ भी पाई जाती है भिंड मुरैना दतिया यहाँ भी पाई जाती हैं और नंबर 4 है गुना शिवपुरी शाजापुर। और देखिए यहाँ पर शाजापुर लिखा है शाजापुर में कौन सी जनजाति सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चीकट क्या है। चीकट है सीधा सा प्रश्न पूछ लेता है जैसे पीएससी पूछता है कोई सभी पूछ लेगा कि चीकट क्या है तो आपको बताना है। ये हमारा मुख्य रूप से किस विषय से लिया गया है मध्य प्रदेश की लोक कलाओं से लिया गया है तो लोक नाट्य है लोक नृत्य है लोक गायन है या लोक चित्र है। तो चीकट के बारे में आपको बता दूं मैं ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है जिसमें विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा नृत्य किया जाता है गायन और नृत्य किया जाता है। तो चीकट क्या है एक प्रकार का लोक नृत्य है कहाँ का है बुंदेलखंड का और इसकी खासियत है ये जो नृत्य होता है वो डफले के साथ किया जाता है डफले के साथ किया जाता है। तो ये चीकट के बारे में बात हो गई। अगला प्रश्न है और हमारा आखिरी प्रश्न है कि निमाड़ी गम्मत किस अवसर पर होता है। हमारे ऑप्शन है नवरात्रि होली गणगौर उपयुक्त सभी। ये बहुत ही आसान सवाल है कि पीएससी जब भी उपयुक्त सभी का ऑप्शन देता है तो सीधा उपयुक्त सभी में कूद जाना है बिना सोचे समझे लेकिन कई बार जब आपको आते हों तो उस चीज़ को ध्यान भी देना है लेकिन नॉर्मली आंसर जो पीएससी मानता है वो उपयुक्त सभी को मानता है तो इसका भी उत्तर क्या होगा मैं भी इसके बारे में बताऊंगा अभी लेकिन इसका आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी। देखिए निमाड़ी गम्मत यह क्या है एक प्रकार का लोक नाट्य है लोक नाट्य जो मुख्य रूप से मालवा और निमाड़ में देखने को मिलता है। गम्मत जो लोक नाट्य है वो मुख्य रूप से मालवा और निमाड़ में देखने को मिलता है निमाड़ में हो रहा है इसलिए इसको निमाड़ी गम्मत कहते हैं और ये मुख्य रूप से होली नवरात्रि और गणगौर के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया किशोरियों के द्वारा मुख्य रूप से इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें कौन से विषयों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो समसामयिक सामाजिक मुद्दे होते हैं मतलब जो अभी करंट के मुद्दे होते हैं जैसे हम करंट पढ़ते हैं ना अपनी परीक्षा में उसी प्रकार से ये समसामयिक मुद्दों पे जो प्रथाएं चल रही हैं कुप्रथाएं चल रही हैं उन पे अपना क्या करते हैं राय देते हैं अपने नाट्य का प्रदर्शन करते हैं। तो ये हमारी पूरी चर्चा किस पे हो गई आज के प्रश्न उत्तरी पे। तो दोस्तों ये हमारी चर्चा आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो मेरा उद्देश्य था ये पूरे जो प्रश्न 31 प्रश्न यहाँ पर आपने देखे हैं वो जितना सिलेबस दिया हुआ है सभी सिलेबस के पॉइंट से एक एक प्रश्न निकाले हुए थे कुछ प्रश्न निकाले हुए थे। अगली जो हमारी चर्चाएं शुरू होंगी वो इस प्रकार होंगी कि हम एक एक टॉपिक का
जैसे मध्य प्रदेश की जनजातियों के भौगोलिक विस्तार है, तो भौगोलिक विस्तार से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन उठाएंगे और उन पर पूरी चर्चा करेंगे, और चर्चा हमारी थोड़ा तेज़ चलेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। उसके बाद घुमंतू जनजाति के बारे में, अर्धघुमंतू जनजाति के बारे में, भूमुक्त जनजाति के बारे में, जनजातियों की जो परंपराएँ हैं, जो विवाह पद्धतियाँ हैं, जो उनकी लोक कलाएँ हैं, जो उनकी चित्रकलाएँ हैं, जैसे पिथौरा का नाम सुना होगा आपने, डिडना सुना होगा, गुदना प्रथा सुना होगा, इन सब के बारे में हम जितने प्रश्न बन सकते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनजातियों कल्याण के लिए चालू की गई हैं, हमने जनजातियों कल्याण के लिए कौन कौन से काम कर लिए हैं, कौन कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है, उनके संबंध में जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको सीधा से क्या करेंगे, कवर करेंगे, और जल्द से जल्दी एक और सेशन आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम केवल जनजातियों के 10 मिनट फैक्ट टू फैक्ट चर्चा करेंगे। 10 मिनट में हम एक जनजाति उठाएंगे, एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर पूरी चीज़ें अपनी ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।